माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ समर्स के लिए कुर्तीज, कुर्ता सेट, हैंडबैग्स एंड कुछ ज्वेलरी का हॉल वीडियो, प्लस कुछ फुटवेयर भी मैंने लिए थे तो जो मेरे पास डिलीवर हो गए हैं उसका मैं आप सबके साथ में रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लस दोस्तों, आज के हॉल में जितने भी आउटफिट मैं दिखाने वाली हूँ उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुर्ती आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है जो कि कॉटन है और इसमें थोड़ा रेयॉन का ब्लेंड है, बट प्रॉपरली इसमें जो कॉटन का फील आता है ना वो आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। तो ये बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है, खास करके समर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। साइज जो मैंने लिया है वो मैंने एक्सेल साइज लिया है, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर का आपको बॉर्डर मिलता है इस पूरी कुर्ती पे। आपको जो है ना पूरे पे आपको ये प्रिंट मिलेगा, डिजाइन मिलती है जो कि काफी सुंदर है। बैक साइड में भी आप देख सकते हो पूरा आपको स्ट्रैप्स का पैटर्न मिलेगा। इस कुर्ती को आप इजीली ब्लैक कलर के बॉटम वेयर के साथ, और अगर आपके पास में मरून कलर का बॉटम वेयर है तो उसके साथ में आप इजीली इसको वेयर कर सकते हो। कंफर्टेबल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, घर पे आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो। तो मैं कहूंगी डेली वेयर के लिए एंड ऑफिस के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि गर्मियों में इस टाइप के ऑप्शन प्रिंट में सटल कलर में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड कंफर्टेबल भी रहते हैं आप सबके लिए। नेक्स्ट जो मैं कुर्ता सेट शेयर करने वाली हूँ, ये कुर्ता एंड ट्राउजर का सेट रहेगा। तो ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं है, लाइट कलर में है, बट बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। सो ये पिंक कलर में आएगा, इसमें आपको काफी सारे और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ग्रे, ब्लू, बट मैंने ये पिंक कलर में लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको काफी सुंदर सा नेक मिलता है, नेक जो है ना दूसरा प्रिंट का, एंड पूरा जो ऑल ओवर कुर्ता है इसमें अलग प्रिंट आपको मिलेगा। तो कुर्ती में पूरे पे आपको प्रिंट मिलेगा, प्लस हल्का हल्का इसमें फॉइल प्रिंट भी आपको मिलता है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का करा गया है। वॉश करने से निकलेगा नहीं, आराम से आप इसको वेयर कर सकते हो, धो पहनो, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। आप देख सकते हो फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको काफी प्यारा खूबसूरत सा प्रिंट मिलता है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे जो इस कुर्ती का बॉर्डर रहेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिजाइन बनाया गया जो कि काफी प्रिटी लगता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है, और पूरा ये स्ट्रेट कट में कुर्ता रहेगा। इस कुर्ती का जो नीचे का पोर्शन है उसमें भी सेम जो स्लीव्स में आपको बॉर्डर मिलता है ना वही आपको कुर्ती का नीचे की तरफ भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल काफी अच्छा ऑप्शन है ये वाला कुर्ता, जो है कॉटन रेयॉन ब्लेंड फैब्रिक का है। आजकल ज्यादातर जो फैब्रिक होते हैं ना वो ब्लेंड फैब्रिक होते हैं, प्योर कम मिलेगा आपको बट ब्लेंड ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट इसके साथ में जो ट्राउजर आएगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, स्ट्रैप्स के पैटर्न में रहेगा और पूरा प्रिंट में रहेगा। ये वाला जो ट्राउजर है हल्का लूज फिट है बट बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है, तो ये काफी कंफर्टेबल रहता है पहनने पर, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बैक साइड में आपको जो इलास्टिक मिलता है उसकी भी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग आपको मिलती है। ओवरऑल ये कुछ इस टाइप का ट्राउजर रहेगा एंड इसमें कोई पॉकेट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, तो ये सिंपल सा जस्ट एक ट्राउजर रहेगा। क्वालिटी अच्छी है, वॉश करो पहनो कुछ खराब नहीं होगा, एंड लाइट कलर है तो मुझे नहीं लगता इसका कलर जाएगा या फेड होगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। नेक्स्ट जो मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये 3-पीस कुर्ता सेट है। एंड दोस्तों मैं बता देना चाहती हूँ मेरी जो हाइट है 5.8 है, एंड इन सभी आउटफिट में जो मेरा साइज मैंने पिक करा है वो मैंने एक्सेल साइज लिया है। आपका जो भी साइज है आप उस हिसाब से लीजिए, एंड आपको साइज चार्ट भी मिल जाता है अमेजोन पे, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। प्लस इन सारे आउटफिट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो आप जरूर चेकआउट कर लेना ताकि आपको जो आउटफिट पसंद है आप वो बाय कर सको। तो नेक्स्ट जो आउटफिट, जैसे कि मैंने बताया 3-पीस कुर्ता सेट है, तो यहाँ पे ये कॉटन का आपको मिलेगा कुर्ता जो कि व्हाइट एंड ब्लू में है, मतलब व्हाइट कलर का कुर्ता है जिसमें ब्लू एंड ग्रे प्रिंट आपको मिलता है, तो काफी खूबसूरत प्रिंट है एंड गर्मियों में इस टाइप के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्लस आप देख सकते हो कलर भी बहुत प्यारा है इसका, आपको यहाँ पे 3/4 स्लीव मिलेगा। ये जो कुर्ता सेट है ना ये एक्सेल साइज में थोड़ा सा लूज फिट है, बट ये कॉटन में है तो हो सकता है श्रिंक होने के बाद में ये थोड़ा सा, मतलब वॉश होने के बाद में श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने जो है ना एक्सेल साइज ही लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप देख सकते हो अगर आप एक्सेल टू डबल एक्सेल भी आते हो ना तो आप इसको आफ्टर वॉश भी वेयर कर सकते हो, क्योंकि इसके फैब्रिक्स भी बहुत ज्यादा श्रिंक नहीं होते, हल्के फुल्के श्रिंक होते हैं, बट ओवरऑल बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्ट्रेट कट में ये कुर्ता आता है, पूरा फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में यू कैन सी प्रिंट, बहुत सुंदर है इसका। और गर्मियों में आपको दिन में पहनने के लिए, घर पे पहनने के लिए इस टाइप की ऑप्शन चाहिए होते हैं, आई थिंक 900 रुपीज तक में आपको ये मिल जाता है, तो मैं कहूंगी बहुत अच्छा ऑप्शन है 900 रुपीज में, फुल कुर्ता सेट वो भी।
यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला बॉटम वेयर जो कि काफी अच्छा है एंड थाइस से बहुत लूज फिट है, तो अगर आपकी हैवी थाइस है तब भी आप इसको इजीली वेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंकल लेंथ ट्राउजर है बट थाइस से आप देख सकते हो काफी अच्छा लूज रहेगा, तो कंफर्टेबली आप वेयर कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस अब आपको मिलेगा इसके साथ में इसका दुपट्टा जो कि सुपर नेट काइंड ऑफ फैब्रिक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा रहेगा, फुल लेंथ का दुपट्टा आएगा, लेंथ में आपको कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे फुल लेंथ का दुपट्टा है और दोनों ही साइड में आपको प्रिंट मिलेगा, मिडिल में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न रहता है, काफी खूबसूरत दुपट्टा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको गले में डाल के ले सकते हो या फिर स्ट्रेट ले सकते हो, जैसे आपका मन हो वैसे आप ले सकते हो। आप किसी को गिफ्टिंग के लिए भी ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है क्योंकि 900 रुपीज के अंडर में आपको फुल कुर्ता सेट का ऑप्शन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी डील है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। देन मैंने लिया है एक हैंडबैग जो कि काफी अच्छा हैंडबैग है, तो अगर आपको डेली यूज के लिए ऐसा हैंडबैग चाहिए जो कि स्पेशियस हो, बड़ा हो और आपको रोज जरूरत पड़ती है, जो कि आपको ऐसा हैंडबैग चाहिए जो स्टर्डी हो, दिखने में भी अच्छा हो, ऑफिस कैरी करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो, तो ये वाला हैंडबैग आप जरूर ट्राई कर सकते हो। इसका जो शेप है थोड़ा सा हाइट में है और मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिखता है, बट हाइट इसकी है अच्छी खासी, बट ओवरऑल ये बहुत स्पेशियस एक टोट बैग है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, आप इसका जो मटेरियल है वो देख सकते हो, क्वालिटी बहुत अमेजिंग आपको मिलती है। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डिजाइन बनाया गया है, तो इस तरीके से आप जब उसको ओपन करते हो तो यहाँ पे ये हुक लगा हुआ मिलेगा, और जैसे कि मैंने बताया ये टोट बैग है तो इसके अंदर में आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्पेस मिलता है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, बस यहाँ पे साइड में आपको एक अलग पॉकेट दिया गया है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह अलग से अच्छी तरह से डाल के रख सको, जिससे कि आपका जो मोबाइल का स्क्रीन वगैरह है किसी चीज से टूटे नहीं या फिर किसी चीज से स्क्रैच वगैरह ना आए, खराब ना हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये वाला जो बैग है आप डेली यूज के लिए या फिर ऑफिस वगैरह जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, तो आपको अगर बैग्स कैरी करने की आदत है तो ये बैग बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर आपका अधिकतर अच्छा सामान आ जाता है। अभी गर्मियां भी स्टार्ट हो गई है तो काफी सारे लोग प्रिफर करते हैं कि घर से पानी की बोतल भी अपने साथ लेके जाए, तो वो भी इसके अंदर आप 1 लीटर की बोतल भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये काफी काम का बैग है, तो अगर आपको इस टाइप के बैग की रिक्वायरमेंट है तो गो फॉर दिस बैग। एंड ये जो बैग है ये आपको आई थिंक 700 से 800 रुपीज के बीच में मिल जाता है, तो अमेजिंग क्वालिटी है, बहुत अच्छी डील है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। नेक्स्ट अब मैं बताने वाली हूँ आप सबके साथ में जो मैंने ज्वेलरीज ली है वो मैं आप सबके साथ में शेयर है ना, ये एक मैंने पर्पल कलर में इयररिंग ली है, बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स है ये, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं तो अगर आपको अच्छी ज्वेलरी लेनी है तो ये वाली ज्वेलरी आप जरूर ट्राई करो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो इसका जो शेप है, कलर है, क्वालिटी है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो स्टोन का काम हो रखा है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये वाला इयररिंग बहुत लाइट वेटेड है, कंफर्टेबल है, एंड बैक साइड से जो इसके सारे के सारे जो स्टैंड्स है ना वो एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो इयररिंग्स मैंने काफी सारे इयररिंग्स देखे हैं जिनमें जो स्टैंड होता है बैक साइड का वो एकदम टेढ़ा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है, तो ये काफी सुंदर है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है स्टोन्स की, तो अगर आपको इस टाइप की कोई इयररिंग लेनी है तो जरूर आप इसको बाय करो, बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये, और मुझे ये कलर वगैरह बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको पिक करा, तो डेफिनेटली ये वाला आप जरूर ट्राई करो। नेक्स्ट जो मैंने इयररिंग ली है ना ये मैंने व्हाइट पर्ल्स में ली है, तो ये वाली इयररिंग आप सूट वगैरह में, शरारा में वेयर कर सकते हो, प्लस आप इस इयररिंग को तो किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो बिकॉज ये गोल्डन कलर में पर्ल में है, तो जिसमें भी गोल्डन टोन में काम है ना उसमें आप इसको वेयर कर सकते हो, कोई कलर का मतलब बाउंड्री नहीं है, बहुत सुंदर सी इयररिंग्स है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको पूरा जो है ना पर्ल्स का डिटेलिंग मिलता है, बहुत ही सुंदर सा पर्ल का काम हो रखा है इसमें, और जो नीचे झुमका बनाया हुआ है उसमें भी काफी प्यारा ये पर्ल का डिटेलिंग हुआ हुआ है, तो ये आप किसी भी साड़ी के साथ में, सूट के साथ में, शरारा के साथ में वेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको इस टाइप के झुमकेस चाहिए, इयररिंग्स चाहिए, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी आपको, जरूर आप ट्राई करो क्योंकि ये हर कलर के साथ में मैच हो जाएगा, एंड अगेन इसके भी जो स्टैंड्स है ना वो काफी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली, बट ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैंड तो काफी अच्छा है बट ये यहाँ पे टेढ़ा है, जैसे कि मैंने बताया कि काफी सारे इयररिंग्स ऐसे ही आते हैं, तो ये ऐसा ही है, टेढ़ा रहेगा ये पूरा का। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ना दोस्तों वो मैंने लिया है एक नेक पीस जो कि है जवेरी पर्ल से, जो जवेरी पर्ल के जो नेकलेसेस होते हैं वो वैसे ही बहुत बेहतरीन होते हैं, एंड मुझे उनके नेकलेसेस बहुत पसंद है, एक तो अफोर्डेबल होते हैं प्लस
उनकी डिज़ाइन बहुत अच्छी होती है। तो ये जो उनका नया कलेक्शन आया 2023 में, उसमें से मैंने लिया है, बहुत ही सुंदर सा नेकलेस है ये। तो चलिए इसको ओपन, एंड आप देख सकते हो बैक साइड से ये पूरा अच्छे से पैक होके आता है, ताकि कोई भी नेकलेस या फिर इयररिंग अपनी जगह से ना हिले, जिससे कि स्टोन वगैरह ना निकले। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अच्छी तरह से पैक करके ये लोग भेजते हैं, ताकि आपके पास में आपकी जो चीज, काफी सुंदर सा पेस्टल कलर में नेक पीस रहेगा, जिसमें कुंदन का काम हो रखा है, पर्ल का डिटेलिंग है, प्लस मीनाकारी काम भी हो रखा है इसमें। ये वाला जो नेकलेस है ना, इसमें पिंक कलर का जो काम किया हुआ है, ये काफी सुंदर है। एंड आप इस नेकलेस को पिच कलर के ड्रेस के साथ में, इवन पिंक कलर के ड्रेस के साथ में वेयर कर सकते हो, साड़ी सूट या फिर शरारा जिसके साथ में भी आप पहनना चाहते हो, इस नेकलेस को वेयर कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइट वेटेड है, पहनने पर सुपर कंफर्टेबल है, एंड आपको यहाँ पे डोरी मिल जाती है, जिससे आप इसको इजीली पैक कर सकते हो। प्लस इसके साथ में जो इयररिंग्स मिलती है ना, वो भी काफी लाइट वेटेड है, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की आपको इयररिंग मिलेगी, जो कि मतलब इतनी हल्की है, क्योंकि अगर आप नेकलेसेस पहनते हो किसी फंक्शन में या फिर शादियों के किसी फंक्शन में, तो क्या होता है काफी देर तक आप पहन के रखते हो, जिससे क्या होता है कान में प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को ब्लड आ जाता है कान में। तो इससे कुछ भी आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि इतने हल्के हैं ये, इवन दिखने में भारी लगते हैं बट बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, ये था मेरा Amazon से शॉपिंग का हॉल वीडियो। इन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।